आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में एक लाजवाब से डिश, जो आप डिनर में भी खा सकते हैं, शाम की चाय पर भी एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व करें, दावतों में इस डिश को ऐड करें या डिनर में मज़े उड़ाएं। रात की हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए ये लाजवाब है। So don't waste the time, let's start the video. I am Rakshanda Najmi and you are watching Rukh Najmi channel. Welcome back. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में रेशेदार शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी भी शामिल की है। मैं चाह रही हूँ कि बोन्स के भी तमाम जूसेस हैं वो हमारे खानों में शामिल हों। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन या चिकन से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपना एक प्यारा सा कुकर ले लिया है, इसमें मैं अपना सारा बीफ जो मेरे पास था मैंने उसे अच्छी तरह 2-3 दफ़ा धोकर छन्ने में रख दिया था और इसका सारा पानी निकाल दिया था, उसे मैं कुकर में डाल रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं मोटे तगड़े से 5-7 लहसुन के जवे और 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने लिया है और उसे कट कर लिया है, रफली चॉप करके वो ऐड कर देंगे। 1 प्याली चने की दाल ली है, जिसे मैंने ना 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी मुलायम और नरम हो गई है, फूल गई है बिल्कुल, ये भी कुकर में चली गई। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून होल कोरिएंडर सीड डालेंगे, जो धनिया के बीज होते हैं सूखे हुए, वो 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अभी मैं कम ऐड कर रही हूँ, इसकी वजह मैं आके आपको रेसिपी में बताऊँगी। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक का मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है, बस इसे मैं रफली सा चॉप करके और कुकर में ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और उसके साथ ही मैं 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें होती हैं ना, वो ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास होल मिर्चें हों, गोल वाली लाल मिर्चें, तो आप 6-7-8 वो इसमें पूरी साबुत ऐड कर सकती हैं। मैंने इसी वजह से जो है ना पिसी हुई लाल मिर्चें कम डाली थी, क्योंकि मुझे कुटी हुई ज़्यादा ऐड करनी थी। अब मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, पानी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हल भी मैं आपको अभी बताती हूँ। 1 लीटर पानी ऐड किया है, बस इतना पानी ऐड करना है कि दाल गोश्त बीफ सब मसाले पानी में अच्छी तरह से चला के देख लें कि डिप हो जाएं। अब कुकर को कर देंगे बंद और 25 से 30 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर हम बीफ और दाल को अच्छी तरह से गलाकर पका लेंगे। अच्छा, कुकर की टाइमिंग इट्स डिपेंड्स ऑन योर कुकर सर्विस कि वो कितनी अच्छा आपका और कितने टाइम तक गलाता है, और हर एक अपने किचन में अपने कुकर को बहुत अच्छी तरह से समझता है। जब तक हमारा कुकर अपना काम दिखाता है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, जब ही तो आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलेगा। 25 मिनट बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और कुकर की गैस रिलीज कर दी है। मेरे कुकर की सर्विस बहुत अच्छी है, इस वजह से ये 25 मिनट में काम कंप्लीट कर लेता है। तो अब हम खोलेंगे अपना कुकर और देखेंगे, तो अभी कुकर में देखें गोश्त और दाल में
अभी काफ़ी पानी बाकी है तो हम हाई फ्लेम कर देंगे और सारा पानी दाल और गोश्त का ना अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। देखिए गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल चुका है, दाल भी बहुत अच्छी गली है। मैंने इसी वजह से पहले कहा था कि अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, हम इसे फ्लेम हाई करके ना लास्ट में ड्राई कर देंगे। यहाँ पर हमने हाई फ्लेम करके देखें सारा पानी चलाते हुए चम्मच और पूरा ड्राई हो चुका है और देखें नीचे बिल्कुल लगा भी नहीं है, पानी भी खुश्क हो गया है और कुछ भी नीचे नहीं लगा है। हमने कुकर से निकाल के से एक बोल में शिफ्ट कर लिया और ठंडा होने के लिए ना रख दिया है। देखें गोश्त और दालें सब बेहतरीन टेंडर हो चुकी हैं, जितनी हड्डियाँ थी ना इसमें वो सारी मैंने अलग कर ली हैं। अच्छा हमें ना रेशा कबाब बनाना है तो हमें किसी मशीन में तो इसे पीसना नहीं है, तो इस तरह की कोई घोटनी मिल जाए, कोई इस तरह सा मसाला पीसने वाला डंडा, हावन दस्ता, उसका कोई भी डंडा या चीज़ मिल जाए आपके पास तो आप उससे अच्छी तरह से इसे हाथ से ही प्रेस करेंगी ना तो सारी बोटियाँ और दाल अच्छी तरह से पिस जाएंगी। मशीन में ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मशीन में ग्राइंड करेंगे तो फिर रेशा नहीं बनेगा कबाब का। सबको मैंने ना अच्छी तरह से पीस दिया है। अब इस स्टेज पे हमने ना 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें मिर्चें ऐड कर चुकी हूँ इसी वजह से मैं गरम मसाला कम ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं पहले। ये तो जान है रेशा कबाब की। 2 मीडियम साइज कि मैंने प्याज लेके उसे चॉप कर लिया है, हरी धनिया है 3-4 टेबल स्पून के करीब और 5-7 हरी मिर्चें, आपको जैसी पसंद हो हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो ज़रूर इन कबाबों में ये सारा मसाला ऐड करें। ये सारा मसाला चम्मच से या हाथ से बेस्ट रहेगा, अच्छी तरह से प्याज धनिया और हरी मिर्चों को कबाबों में मिक्स कर दें। अब हमने कबाबों के छोटे छोटे से पोर्शन लेने हैं और उसे टिकिया की शेप देनी है, मीडियम साइज के रखने हैं इस तरह से, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, वैसे जैसे आपकी मर्जी वैसे बना लीजिए, चाहे सिलेंडर शेप में बना लें चाहे राउंड शेप में बना लीजिए, आपकी मर्जी। ये देखिए हमारे सारे कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब आप इस स्टेज पे चाहें तो एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और उसमें अपने सारे कबाब रख के 1 महीने तक फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका जब दिल चाहे जितना दिल चाहे निकालें, शैलो फ्राई करें और एंजॉय करें। मैंने भी 1 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़े से सेटल हो जाएं। आप भी इस तरह से देखें सेव कर सकते हैं। अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें 1 बिग स्पून हमने ऑयल का ऐड करेंगे और कबाबों को हमने इसमें शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद 1 मिनट बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से पलट के दोबारा से दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लेना है। देखिए पहली साइड कितनी अच्छी गोल्डन रेडिश कलर आया है, इसी तरह से उलट पुलट करके हमने धीरे धीरे दोनों साइड पे गोल्डन कलर दे देना है। इन सारे कबाबों पे दोनों साइड पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बस हमें यही कलर चाहिए क्योंकि बाकी तो सब कुछ इसका मटेरियल जो है वो पक्का हुआ है, बस हमने कलर देना है और हल्का सा फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे करेंगे डिश आउट।
यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन हरी मिर्ची और धनिया की चटनी के साथ ये लाजवाब लगते हैं। देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना बेहतरीन रेशा बना है इसमें। तो ये है ना बेहतरीन और ज़बरदस्त वाले रेशा कबाब। तो फिर इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और आप भी जाइए जल्दी से बनाइए रेशा कबाब, ऐसे बेहतरीन रेशा कबाब। खुद बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। मिलते हैं फिर किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।